सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिमीकंद की उन्नत खेती आप लोगों को कैसे करना है और इसकी खेती करके आप लोगों को कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। जिमीकंद की खेती भारत में कई स्थानों में की जाती है। यह भूमि के अंदर उगने वाली सब्जी है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे ओल या सुरन भी कहा जाता है। पहले जिमीकंद को घर में बनी हुई बगीचों में उगाया जाता था, लेकिन आज के समय में जिमीकंद की एक व्यावसायिक रूप से खेती की जाती है। इसका तने को धनाकंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका तना भूमि के अंदर ही फलता फूलता है। इसका पौधा ज्यादा बड़ा होता है। इसकी सतह पर इधर उधर उपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं। ओल के अगले सिरे पर अग्रकिलिका और शल्क पत्रों के अक्ष पर छोटी कलिका होती हैं। जिमीकंद यानी कि ओल का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि इसे एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक मूल्यवान जड़ी बूटी है जिसके उपयोग से मनुष्य स्वस्थ और निरोग रहता है, लेकिन इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें जिमीकंद की खेती कैसे करनी है, इसके लिए हमें कौन सी जलवायु की आवश्यकता होगी, सिंचाई कैसे करनी है, इसकी निराई गुड़ाई कैसे करनी है और इसकी किस्में कौन सी है। इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी जिमीकंद की खेती करने के लिए हमें कौन सी उचित जलवायु की आवश्यकता होगी। जिमीकंद की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और तर मौसम की जरूरत होती है, जबकि कंदों की अच्छी बढ़वार के लिए ठंडा और शुष्क मौसम उत्तम माना जाता है। जिमीकंद के बीजों को बोने के बाद अंकुरण के लिए ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। इसके अलावा पौधे की बढ़वार के लिए अच्छी बारिश होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जिमीकंद की खेती के लिए हमें कौन सी उचित भूमि की आवश्यकता होगी। जिमीकंद को रेतीली दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जिमीकंद की खेती उस भूमि में करें जिसमें जल धारण करने की उचित क्षमता हो। चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी में इसकी खेती करना असंभव है, क्योंकि इन मिट्टी में जिमीकंद के कंदों को अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी खेत की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है। खेत में जिमीकंद की रोपाई से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से दो या तीन बार गहरी जुताई करें। प्रत्येक जुताई करने के बाद पाटा अवश्य लगाएं। खेत में जुताई करने से पहले खेत की एक हेक्टर भूमि में लगभग 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। इसके बाद ही जुताई करें ताकि खाद और मिट्टी अच्छी तरह मिल जाए। इस प्रकार की विधि से पहले खेत को तैयार कर लें। खेत में मेंढे और नालियों का निर्माण अवश्य करें, इससे सिंचाई करने के बाद का पानी इकट्ठा नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जिमीकंद की किस्मों के बारे में। पूरे भारत वर्ष में जिमीकंद की केवल तीन किस्मों की ही खेती की जाती है। पहली जो किस्म है वो है कोवयूर। जिमीकंद की इस किस्म के पौधे की वृद्धि बहुत जल्दी बढ़ती है। इस किस्म में कंदों की एक समान रूप से वृद्धि होती है। कोवयूर नामक किस्म संतरा गाची की तरह कन्या धनाकंद बनने नहीं देता। जिमीकंद की इस किस्म की खेती करने से हमें अधिक उपज मिलती है। इसकी एक हेक्टर भूमि पर से हमें लगभग 100 क्विंटल तक की अच्छी और लाभदायक उपज मिलती है। इसकी जो दूसरी किस्म है वो है संतरा गाची। इस किस्म में धन कंद हल्के कड़वे होते हैं और इसके कंद खुरदुरे मखनी रंग के होते हैं। संतरा गाची नामक किस्म के पौधे की वृद्धि बहुत ही तीव्रता से होती है। इसके कंद पर बहुत सारी कन्या धन कंद निकल जाते हैं। इसके कंद खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। भारत में इस किस्म को केवल पूर्वी भागों में ही उगाया जाता है। इस किस्म की खेती करने से हमें लगभग 50 से 75 टन की उपज मिल जाती है। तीसरी जो इसकी किस्म है वो है गजेंद्र वन। जिमीकंद के इस किस्म के कंदों में गुच्छे का रंग हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसकी बुवाई मई के महीने में की जाती है, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में पककर तैयार हो जाती है। इससे हमें एक हेक्टर भूमि पर से लगभग 250 से 200 क्विंटल की अच्छी उपज मिल जाती है और यह किस्म जिमीकंद की अच्छी किस्म भी मानी जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जिमीकंद को बोने का उचित समय क्या होगा।
भारत के उत्तरी भाग में इसकी बुवाई फरवरी या मार्च के महीने में की जाती है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे मई के महीने में बोया जाता है। यह समय इसकी बुवाई के लिए उत्तम माना जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके लिए हमें बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। आधा किलोग्राम कंद लगाने के लिए एक हेक्टर भूमि पर लगभग 50 क्विंटल बीज की हमें जरूरत होती है और एक किलोग्राम कंद लगाने के लिए 100 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। जिमीकंद के कंद में कम से कम 2 आंख जरूरी होनी चाहिए। इसकी बुवाई के लिए पूसा कंद या आधा कटा हुआ कंद का भी उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको बोने के तरीके के बारे में। खेत को जुताई करने के बाद तैयार कर लें। इसके बाद 1 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लें। इस तरह से 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1000 गड्ढे खोद लें। इन्हीं गड्ढों में कंदों की बुवाई की जाती है। इन कंदों का भार कम से कम 25 ग्राम का होता है। जिमीकंद की कुछ किस्में लघु कंदों का निर्माण नहीं करती। इसके एक बड़े कंद को 500 से 1000 ग्राम के टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद इसे गड्ढा खोदकर बुवाई की जाती है। जिमीकंद की बुवाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि भूमि में नमी की कमी न हो। इसके लिए गड्ढों में घना कंद बोने के बाद उसे मिट्टी से ढक दें और चारों तरफ से पिरामिड बना दें। खुदे हुए गड्ढों को घास फूस से ढक दें। इससे जिमीकंद के कंदों का अच्छी तरह से अंकुरण होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जिमीकंद की फसल में सिंचाई करने का तरीका क्या होगा। जिमीकंद की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी फसल में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वर्षा ऋतु के आने से पहले फसल में एक सिंचाई जरूर कर दें। यदि बारिश के मौसम में ज्यादा समय तक बारिश न हो और मिट्टी में नमी कम हो तो सिंचाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी फसल के तैयार होने के बाद आप लोगों को खुदाई कैसे करनी है। जिमीकंद का उपयोग दिवाली के त्योहार पर किया जाता है, इसीलिए जिमीकंद की फसल नवंबर या दिसंबर के महीने में पककर तैयार हो जाती है। इसके कंदों की खुदाई नवंबर या दिसंबर के महीने के पहले सप्ताह में कर लेनी चाहिए। जिमीकंद की खुदाई करने से लगभग 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका भंडारण और बीज का उपचार कैसे करना है। जिमीकंद के कंदों की खुदाई करने के बाद इसके कंदों को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और इन्हें हवादार जगह पर या मचान पर भंडारित करना चाहिए। जिमीकंद के बीजों को बोने से पहले बीजों को नीम के तेल या केरोसिन से उपचारित करना चाहिए। केवल उपचारित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जिमीकंद की फसल से हमें कितनी उपज की प्राप्ति होती है। इसकी उपज फसल की अच्छी देखभाल और मिट्टी की किस्म पर निर्भर होती है। यदि फसल से 500 ग्राम के भार के बीज के कंद का उपयोग करना है तो 1 हेक्टेयर भूमि पर से हमें 400 क्विंटल तक की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी जिमीकंद की खेती के बारे में। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।